अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो हियर इज़ अनदर व्लॉग, क्योंकि सब कह रहे थे कि आप अपनी वॉइस में व्लॉग बनाएं, तो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट। सो एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गया था, ये मंडे को मेरा पहला पेपर था और पहला पेपर देने के बाद आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट। सो वेदर वॉज टू गुड, लाइक धूप भी थी हल्की हल्की और हवा तो बहुत प्यारी चल रही थी। सो हियर इज़ सम एस्थेटिक व्यूज ऑफ दिस ट्री एंड दिस वॉज द पेपर ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। वो करने के बाद ये हमारे हाथों पर मेहंदी, क्योंकि वो हेडिंग जो है मार्कर खुला होता है हाथ में तो वो लगते रहते हैं। सो हमारी कैंटीन जो है वो वहाँ प्रिंटिंग शॉप बन गई, हमारी कैंटीन बाहर आ गई, हमारी कैंटीन जो है वो लवारिस हो गई। देन आप देखते रहें ये वेदर, क्योंकि मेरे पास नेचर से ज़्यादा प्यारी कोई चीज़ दिखाने के लिए नहीं है। सो टेल मी इन द कमेंट्स इफ यू आर ऑल्सो ऑब्सेस्ड विद स्काई एंड ट्रीज एंड बर्ड्स एंड नेचर, लाइक आई एम टोटली ऑब्सेस्ड। तो यहाँ पर मैं इतनी मूड में थी, सो ये हार्ट ये मुझे पता नहीं कब कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। देखिए इधर भी मैं ये हार्ट बना रही हूँ, हाफ होता हाफ ये यानी पूरा हो गया। ठीक है, ये हमारी बिल्ली है, ये बहुत वीआईपी है, ये आपको चेयर्स पे बैठी ही मिलेगी क्योंकि ये फ्रेश पे नहीं चलती। और ये देखें ज़रा, ये दोनों दरख्त देखें, एक रेडिश है और एक ग्रीनिश है, और वो दोनों बहुत खूबसूरत लगते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो सो प्रिटी, ये देख लें बिल्ली। फिर हम लेने गए चाय, क्योंकि वाई नॉट, सुबह चाय, दोपहर चाय, शाम चाय, पेपर्स में तो चाय का ही आसरा है। और यहाँ बैठी मैं सन बाथ ले रही थी और बस कंटिन्यूसली मेरा कैमरा जो था वो आसमान की तरफ था। और यहाँ ये पापा का वेट कर रही थी मैं लेने आने के लिए, और ये बहुत 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 पुरसकून जगह थी बैठने के लिए। सो आई सिट हियर फॉर अ वाइल और फिर मुझे पापा लेने आ गए, और फिर मैं ये जा रही हूँ गेट की तरफ, गेट तक जा रही हूँ। वहाँ बैठ के बहुत मुश्किल से मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया, और फिर मैंने मोबाइल था बैग में डाला, लेकिन फिर उसके बाद मुझे चिल्ली वाला नज़र आ गया तो मैंने ले ली चिल्ली। अब जो है घर पहुँचते साथ पानी पिया, क्योंकि चाय पी कर बहुत प्यास लगी थी। फिर जो है वो खाना खाया, खाने में मिल रहे थे काले चने मंडे को, और फिर चाय पी। आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा चाय क्यों पी, तो इसलिए पी क्योंकि पेपर है, और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के नहीं पी रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। देन ये पूरा दिन वो था जिसमें लोड शेडिंग नहीं थी, और फिर अगले दिन मेरा पेपर नहीं था, मेरी छुट्टी थी, तो आई रिकॉर्डेड दिस क्लिप। एंड फिर मैं लैपटॉप लेके बैठ गई, तो पेपर कैंसिल हो गया था हमारा उस दिन ट्यूजडे को। सो ये फ्री डे था, लाइक फ्री ऐसे नहीं कि आपको कोई काम नहीं है, फ्री ऐसे कि उसमें पेपर नहीं था, बट जो नेक्स्ट डे पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो उसकी प्रिपरेशन से पहले मैं लैपटॉप देखती रही, फिर ये नेक्स्ट डे को पेपर आ गया, क्योंकि उसकी तैयारी करते वक्त मैंने व्लॉग नहीं किया। तो फिर ये पेपर था जिस दिन ये फॉग थी, उस दिन जब मैं घर से निकली हूँ तो बिल्कुल फॉग नहीं थी, बिल्कुल क्लियर था सब कुछ। तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ पूरा ग्राउंड फॉग से भरा हुआ था, और वो अचानक फॉग आई थी, तो फिर मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि पाकिस्तान में आपको बहुत कम फॉग देखने को मिलती है अगर आप लाहौरी नहीं है। तो ये जो है कि टाइम जो मैं ब्लॉग बना रही थी, ये मैंने रखा था पेपर रिवाइज करने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि रीजन से ज़्यादा ज़रूरी है फॉग। उसके बाद पेपर देख के आ गई, और मैंने देखा कि एडमिन के बाहर बहुत प्यारे फूल थे, और फिर मैंने उन फूलों को कैप्चर कर लिया, क्योंकि मेरे ब्लॉग में प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये करने के बाद मैं पेपर भी मैंने देखे। ये जब भी मुझे बिलीव लिखना आ जाए ना पेपर में, तो मैं उसके पहले में कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। मैं घर आ गई हूँ, घर आके मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया, क्योंकि पेपर का बहुत स्ट्रेस था। जी मैं आधी रात को बैठ के पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा दिखाऊँ कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये करने के बाद मुझे हिंदी वीडियो समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उसने मुश्किल वर्ड बोले हुए थे, तो मैंने इंग्लिश में लगा ली और मैं वो सुनने लग पड़ी। वो सुन के कुछ थेरीज थी वो तैयार की, क्योंकि लिटरेचर थ्योरी का पेपर था। फिर मैंने दो नफल पढ़े, पेपर अच्छा हो जाए इसलिए। तो उसके बाद मैंने तस्बीह पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की जो तारीफ करता है अल्लाह उसकी दुआ सुन लेते हैं। सो इसलिए आप लोग भी अपने हाथों पर तस्बीह पढ़ा करें, हाथों पर ना पढ़ें, से मर्जी पढ़ लें, बट जिक्र क्या करें। तो उसके बाद ये नेक्स्ट डे है पेपर वाला, और इस दिन बिल्कुल क्लियर आसमान था, कोई बादल नहीं थे, कोई फॉग नहीं थी, बट थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। सो ये मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी। उसके बाद ये मैं डिपार्टमेंट में पहुँच गई हूँ, ये हमारा डिपार्टमेंट है जिसमें लाइट नहीं आती, क्योंकि लाइट तो वैसे ही पाकिस्तान में नहीं आती अब। तो ये मेरा पेपर था, और अच्छा हो गया ये, इसमें चार क्वेश्चन पेपर मैम ने दे दिए थे, और वो इतने लेंथी थे ना, बट फिर भी मैं जल्दी पेपर कराती हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में पेपर लिखती हूँ। फिर ये देख लें ये, फिर मैं आके बैठी वेटिंग एरिया में, और यहाँ से फिर मैं नेचर की वीडियोज़ बनाने लग पड़ी, थोड़ी एस्थेटिक क्लिप्स। तो इस साल 2022 का सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला लफ्ज़ है एस्थेटिक, आपको मैंने खुद बहुत बोला ये। और फिर उसके बाद मैंने हाथ में ग्लव पहन लिया, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ थी, मेरे हाथ पे लग चुभ रही थी धूप, तो क्योंकि हाथों पर ड्राइनेस हुई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे ये लास्ट पेपर है। हेलो गाइस, ये हेलो गाइस करती नजर आएगी आपको। तो उसके बाद जब मुझे जल्दी होती है, फिर मैं स्पीड में स्टेयर उतर रही थी, हालांकि मैंने पापा में पहुँच रही है। उसके बाद ये मैं यूनिवर्सिटी एंटर हो गई, और यूनिवर्सिटी आने के बाद ये देखें, ये फिर से आपको मैं इतना प्यार दे रही, ये जो वीडियो लाइक करते हैं ना ये उनके लिए, और कमेंट करते हैं उनके लिए।
ठीक है। उसके बाद पापा लेने आने वाले थे, बट थोड़ा टाइम था 5-10 मिनट, तो मेरे मुझे भूख लगी, मैं फ्राइज ले आई बाहर से। और उसके बाद ये देख ली, ये जरा इतना प्यारा लग रहा था ना, लाइक हवा चली थी, पत्ते गिर रहे थे बट वो कैमरे में नहीं आ रहे थे। और ये देख ले, वो फूल यूनिवर्सिटी में आजकल लगा रहे हैं लोग, तो वो ये क्यूट क्यूट फूल आकर लगाते हैं उन्होंने इधर, ये देख। और उसके बाद एक साइनमेटिक सा शॉट, ब्लॉग की एंडिंग के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।